आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, काली राख क्या है? दोस्तों हमें यहाँ बताना है कि काली राख क्या होता है, ठीक है? तो यदि काली राख की बात करें दोस्तों, तो काली राख यानी कि नमक के कंकर छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर चूने पत्थर और कार्बन के साथ भट्टी में गर्म करने पर Na2SO4 बन जाता है। इस भट्टी से प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? काली राख कहते हैं, ठीक है? इसकी अभिक्रिया हम देखेंगे दोस्तों। किसका अभिक्रिया क्या होता है? जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इन तीनों को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, इसे गर्म करते हैं एक ताप पे, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कैल्शियम सल्फाइड CaS अर्थात मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 4CO, ये हमारा हो जाएगा 4C, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये एक संतुलित समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इस समीकरण में काली राख क्या होता है? काली राख जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड का मिश्रण, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड का मिश्रण। ये कैल्शियम सल्फाइड क्या हो रहा है दोस्तों? प्राप्त हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये मुक्त हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो दोस्तों इस रासायनिक समीकरण में जब हम सोडियम सल्फेट के और कार्बन और कैल्शियम कार्बोनेट को एक ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने के बाद जो बनता है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड, ये क्या है? इन दोनों का मिश्रण काली राख कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होता है। तो दोस्तों काली राख क्या हो गया? काली राख यानी कि Na2CO3 और CaS, ठीक है, CaS यानी कि कैल्शियम सल्फाइड के मिश्रण को काली राख कहते हैं, ठीक है, काली राख कहते हैं, ठीक। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों, Na2CO3 और CaS के मिश्रण को काली राख कहते हैं, अर्थात ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।